हरपुर बुधहट पुलिस ने चोरी की घटना में शामिल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर कटाई टीकर पुल के पास से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान सुभाष यादव पुत्र दिनेश यादव निवासी साई बुजुर्ग थाना उरवा बाजार जनपद गोरखपुर, दूसरा अमन दुबे पुत्र शेषमणि दुबे निवासी सहुआ पार थाना उरवा बाजार जनपद गोरखपुर, तीसरा संतोष कुमार दुबे पुत्र अवधेश कुमार दुबे निवासी सहुआ पार थाना उरवा बाजार जनपद गोरखपुर, चौथा रविन्द्र कुमार पुत्र लाले प्रसाद निवासी सहुआ पार थाना उरवा बाजार जनपद गोरखपुर, पांचवा शिवम ओझा पुत्र राज नारायण ओझा निवासी भरथरी थाना उरवा बाजार जनपद गोरखपुर, छठवा महताब अली पुत्र नेबूलाल निवासी यशवंतपुर थाना उरवा बाजार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से एक पिकअप ब्लोरो, 44,500 रुपए नगद, पुरानी नोट, 2 एलईडी टीवी, 4 लैपटॉप, 13 मोबाइल, 6 चेन, 9 अंगूठी, 1 झुमका, 1 टप्स, 1 मंगलसूत्र, 7 सोने की कील, 23 जोड़ी बिछिया, 13 पायल, 8 हाथ की घड़ी, 9 टार्च, 1 कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, 1 स्पीकर, 3 पावर बैंक, पेचकस टूल बॉक्स, आयरन कटर, 1 अदद वायर कटर, 1 पिलास, 1 पेचकस, 1 सीसीटीवी कैमरा, 15 शर्ट, 13 टी शर्ट, 14 जीन्स पैंट, 5 फ्रॉक, 14 गर्म पैजामा, 24 अन्य सामान बरामद हुआ है। एसपी साउथ ने बताया कि हरपुर बुधहट से लूटी हुई पिकअप के साथ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा पास से चोरी का सामान बरामद हुआ। जब अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी की गई कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में हरपुर बुधहट थाना प्रभारी उदय शंकर कुशवाहा, खजनी थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे, क्राइम ब्रांच प्रभारी चंद्रभान सिंह, सर्विलांस प्रभारी धीरेन्द्र राय, स्वाट टीम प्रभारी अरुण कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल राजमंगल सिंह, राशिद अख्तर खां, सनातन सिंह, राम इकबाल राम, जितेंद्र सिंह, कांस्टेबल इंद्रेश वर्मा, अरुण यादव, अरुण राय, नमित मिश्रा, अशोक चौधरी, मनोज कुमार गुप्ता, अविनाश कुमार, महिला कांस्टेबल आरती सिंह शामिल रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, कौन वाला? ये वाला 24 का एक को क्षेत्र से ये 26 जनवरी की शाम को लगभग 8:30 बजे के आसपास हरपुर बुधहट क्षेत्र में एक पिकअप लूटी गई थी। उस घटना से संबंधित विवेचना के दौरान ये बात प्रकाश में आई कि एक गैंग जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है, वो गैंग पिकअप और उसके साथ कुछ सामान लेकर के निकलने की फिराक में है। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम,
हरपुर बुधट की टीम और खजनी की टीम ने मिलकर के संयुक्त ऑपरेशन किया, जिसमें हरपुर से लूटी गई पिकअप, टेक्निकली वो मुकदमा डकैती में लिखा क्योंकि उसमें 5 या 5 से ज़्यादा लोग शामिल थे, उसके अलावा इनके पास से बहुत सारा चोरी का सामान बरामद हुआ। छोटे छोटे घरेलू सामान हैं। उस आधार पर जब पूछताछ की गई तो ये उरुआ क्षेत्र का रहने वाला एक गिरोह है। इनका जो मास्टरमाइंड है अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इन्होंने इलाके में तमाम छोटी मोटी चोरियां कर डाली थी। महत्वपूर्ण चोरी में उनवल क्षेत्र से एक पैरामिलिट्री के इंस्पेक्टर के घर से बुलेट मोटरसाइकिल और उनकी एलसीडी गई थी। घटना में चोरी गई एलसीडी बरामद हो गई है। बुलेट जिस अपराधी के पास है वो भी पुलिस के हत्थे नहीं आया है। और जब पूछताछ हुई तो थाना खजनी की उनवल के अलावा एक पुरानी चोरी जिसमें घर से कुछ ज्वेलरी गई थी, उरुआ क्षेत्र की एक चोरी जिसमें घर से छोटे मोटे ज्वेलरी गई थी, सिकरीगंज की चोरी के अलावा बगल के जनपद कबीरनगर के एक चोरी जिसमें सीसीटीवी कैमरा ही उखाड़ कर ले गए थे, उनका हार्ड डिस्क डीवीआर वगैरह ले गए थे, तो उनका कैमरा बरामद हुआ है। और बांसगांव क्षेत्र में हरनही क्षेत्र से एक घर में चोरी हुई थी, उनकी भी एलसीडी गई थी, वो चोरी की एलसीडी बरामद हुई है। तो इस तरह से डकैती की एक घटना और 7 चोरी की घटनाओं के माल बरामद हुए हैं। उसके अलावा भी इनसे कुछ घड़ियां, लैपटॉप, कैमरा या इस तरह की चीज़ें बरामद हुई हैं। साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट कुछ बरामद हुए हैं जिससे कुंडी या ताला काटा जा सके। ये गिरोह रहने वाला उरुआ थाना क्षेत्र का है, सब आसपास के गांव के हैं और ये इसी तरह से आपस में बातचीत करके मोबाइल पे चैटिंग करके एक जगह इकट्ठा होते हैं और उसके बाद किसी न किसी घर में अंजाम दे करके फिर निकल जाते हैं। इनमें से 2-3 अपराधी ऐसे हैं जो इनका मास्टरमाइंड है, उसका भी आपराधिक इतिहास है। 2-3 जो पकड़े गए हैं इनमें से 2-3 का 2-2, 3-3 मुकदमे इनके पुराने चोरी के मुकदमे हैं। वस्तुतः ये अब चोरी में जहाँ ज़्यादा सामान मिल जाता है तो वहाँ से ले जाने में इन्हें असुविधा होती है। ज्वेलरी वगैरह उसके घर से बुलेट गई, उसके घर से फोम के गद्दे तक ले गए, तो इन्होंने तय किया कि कोई पिकअप हम लोग कहीं से चुरा लें, लूट लें। उसी के तहत हरपुर बुधट की घटना जैसा वादी ने बताया था उसे बुक करा करके भाड़े पर ले गए थे और सुनसान जगह पे जा करके इन्होंने उससे छीन लिया था।